हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे जो हाथ में बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी, जो स्टिफनेस ऐसे हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट का जो एक ख़ास तरह के दो मूवमेंट होते हैं, सुपिनेशन प्रोनेशन, जो एक तरह के मूवमेंट होते हैं कि हाथ को, जैसे आप मेरे हाथ को इस वक्त देख रहे होंगे, इस तरह के हाथ के मूवमेंट जो है वो पेशेंट नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम उसे शिकायत करते हैं कि सर सभी तरह के मूवमेंट लगभग ऐसे होने लगे हैं लेकिन मैं फिर भी इस तरह के मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, कौन से ऐसे पर्टिकुलर मूवमेंट हैं जो मेरे इस तरह के हाथ के मूवमेंट में फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस तरह के मूवमेंट जैसे दरवाज़े ऐसे खोलना है या हाथ इस तरह से घुमाना है, इस तरह की जो चीज़ें ऐसे डेली हम मूवमेंट करते हैं उसमें मेरे हाथ के जो मूवमेंट हैं वो अच्छे हो जाएं। बेसिकली इस तरह से हाथ थोड़ा सा रहने लगता है पेशेंट का तो भी यही चीज़ वाली डेवलप हो जाती है क्योंकि हाथ के इस तरह के मूवमेंट जो है वो कम होते हैं। जब कोशिश ऐसे पेशेंट करता है तो वो कर नहीं पाता है। तो बेसिक से ऐसी एक्सरसाइज है, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अक्सर हम अपनी वीडियो में बताते रहते हैं कि एक जो हम अपने पास से आपको ऑयल देते हैं, तो हम जो आपको वो ऑयल देते हैं वो आपके स्पास्टिसिटी को, स्टिफनेस को कम करने के लिए ही होता है। तो सबसे बेसिक है कि जो ऑयल है, जो दवाइयां ऐसे आप लेते हैं, उन दवाइयों को लीजिए ताकि आपकी स्टिफनेस कम से कम हो जाए। जितनी आपकी स्पास्टिसिटी, स्टिफनेस कम होगी, आपका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ का ये वाले जो मूवमेंट है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी एक्सरसाइज, वो है आपकी एक्टिविटी। अक्सर मैंने पेशेंट को देखा है, जैसे मैं उनसे पूछता हूँ कि आप घर पर होते हैं तो किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो सारे पेशेंट जितनी चीज़ें ऐसे मुझे बताते हैं, जितनी चीज़ें हमें OPD में बताते हैं, उन सारे मूवमेंट में, उन सारी एक्सरसाइज में, उन सारी चीज़ों में सुपिनेशन और प्रोनेशन वाले जो मूवमेंट है वो कहीं नहीं होते, मतलब कि वो कर ही नहीं रहे होते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि इस तरह का मूवमेंट भी उनको करना है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा 2-3 एक्सरसाइज आपको ऐसे बता दूँ जिससे आपको समझ में आए कि आपको बेसिकली हाथ को और खोलने के लिए करना क्या है। तो बेसिक सा फंडा है, मान लिया कि मेरा जो है वो राइट हैंड इन्वॉल्व हुआ है, इस तरह से रह रहा है, हाथ मूवमेंट इस तरह से कर नहीं रहे, तो मैं दूसरे हाथ के ज़रिए अपने मूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा हाथ है, हाथ में हाथ मैंने इस तरह से डाल लिया और मैं दूसरे हाथ के ज़रिए मूवमेंट करवाने की अपने कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जब आप देखते हैं कि मैंने ये पाम अप कर लिया, हथेली को ऊपर नीचे ऐसे दबाना, ये इस तरह से मैंने करना शुरू कर दिया, या साथ में आगे की तरफ ऐसे आप लीन होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, पीछे आते हैं, फिर से आगे की तरफ ऐसे लीन होते हैं, थोड़ा सा हाथ को मोड़ना शुरू करिए ताकि आपकी मांसपेशियां थोड़ी सी खुल जाए। ये आप देख रहे होंगे इस तरह के बेसिक ऐसे मूवमेंट हैं वो आपको करने हैं जब आप ऐसे घर पर होते हैं। दूसरा मूवमेंट, हाथ आपका इस तरह से, आपने अंगूठा ऐसे पकड़ा या हाथ ऐसे पकड़ा, इस तरह के मूवमेंट से अपने हाथ का, जो हथेली का ऐसे मूवमेंट है वो करना शुरू करिए। इस तरह के मूवमेंट बहुत कम ऐसे लोग कर रहे होते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं होते कि किस तरह से और अपने हाथ को खोल सकते हैं। तो आप सामने से मुझे ऐसे देख रहे होंगे कि मैं अपनी जो हथेली है उसको नीचे ऐसे डाउन कर रहा हूँ, फिर अप ऐसे कर रहा हूँ, तो सेम तरह का मूवमेंट कोशिश करिए कि आप भी घर पर इस तरह से जो मूवमेंट है वो 2-4-5 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक मूवमेंट हो गया, मूवमेंट यही है, चाहे वो आपको इस तरह से करवाया जाए, चाहे आपको इस तरह से करवाया जाए, या चाहे आपको इस तरह से करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद में बेसिक आप ये भी कर सकते हैं कि हाथ अपने इस तरह से रख के, ये भी आप डाउन ऐसे करके कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऐसे मूवमेंट होता है। तो जितने ये मूवमेंट है 3-4 जो मैंने आपको बताए हैं, इससे बेसिक यही होगा कि आपके हाथ का जो एक सुपिनेशन प्रोनेशन वाला मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सुधार आएगा। साथ में और ऐसी चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, मान लिया कोई बेलन टाइप की कोई चीज़ ऐसे ले सकते हैं कि उसमें आपने पकड़ लिया और पकड़ के आप इस तरह से, या बॉटल ऐसे पकड़ के तब आपने स्टार्ट किया, ये भी कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने ये टेबल है, टेबल के किनारे पर मैंने हाथ रखा, सिर्फ यहाँ पर मैंने हाथ रखा और तब मैं हाथ को इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथ रखा हुआ है बेस पर, ऐसे रखा हुआ है और आगे से मैं इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरवाज़ा खोलने का कोई नोब जैसे होता है उसमें आप कोशिश कर सकते हैं, दूसरे हाथ के ज़रिए खोलने की कोशिश कर सकते हैं।
कुछ लोग शोल्डर व्हील का इस्तेमाल करते हैं, शोल्डर व्हील ऐसे घुमाने के लिए आपने देखा होगा, तो उसमें बीच में जो नोब आता है उससे आप घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, या घर में ऐसा कोई जुगाड़ बना सकते हैं कोई पहिए टाइप का, जिससे आपके इस तरह के बेसिक मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएं। अब मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि आप जितना मूवमेंट इस तरह का करते हैं कि पाम डाउन ऐसे घुमाने वाला एक तरह से मूवमेंट आप करते हैं, तो जितना ज़्यादा आपका मूवमेंट होगा, मूवमेंट में आपकी कंसिस्टेंसी होगी, उतना ज़्यादा इस तरह के जो मूवमेंट है वो आपके सुधर जाएंगे, फिर आपको ये वाली दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन ज़िम्मेदारी आपकी यही है कि जो बेसिक ऐसे मूवमेंट मैंने आपको सारे इस वीडियो के ज़रिए बनाए हैं, या पिछली जो हमने इतने सारी ऐसे वीडियो बनाई हैं, उनको जाकर देखिए कि किस तरह से आप सारे हाथ के मूवमेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं फिर से कहूँगा, ये निर्भर करती हैं आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर, आपके ब्रेन की दोबारा से जो एक रीलर्निंग है उसके ऊपर। तो उसके लिए जो सारी ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो आपका खान पान है, चाहे वो आपकी दवाइयाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें आप साथ लेकर चलिए, किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर मत रहिए और किसी एक भी चीज़ को मत छोड़िए। तीनों ही चीज़ें, तीन चार चीज़ें बेसिक ही हैं, वो चीज़ें आपको साथ लेकर चलनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छी रिकवरी को हासिल कर सकते हैं। नहीं तो एक तरह से आप दोबारा से चीज़ों को अपनी तरफ सम्मोहित कर रहे होते हैं, दोबारा से आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो कोशिश करिए इन चीज़ों को अपने ज़रिए ही रोकने की कोशिश करें, प्लस अपने आप को अच्छा रिकवर करने की कोशिश करें। तो बेसिक जो आपको चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए समझाई गई हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनके हम वीडियो बनाते हैं, टेस्टिमोनियल ऐसे बनाते हैं, उनको जो रिहैब हमने बताया, जो मेडिसिन ऐसे डिलीवर की, उनके ऊपर उसका क्या असर हुआ, वो आप इस वीडियो के ज़रिए ऐसे देख पाएंगे जो आगे शुरू होने वाला है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर सारी चीज़ें साथ में रखी जाएँ, सारी चीज़ें की जाएँ, कंसिस्टेंसी बरकरार रखी जाए, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी रिकवरी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सुबीर जी, जिनकी वीडियो अभी आपने देखी है, वो हमारे सामने बैठे हैं। जो 2 महीने पहले उनकी कंडीशन थी, वो आपने हाल में वीडियो के ज़रिए आपने देख ली है। अभी वो किस हालत में है, किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, कैसा उनका बोलना हो गया, कैसे उनका वॉकिंग पैटर्न, जो उनके हाथ का ऐसे मूवमेंट है वो कितना हो गया है, वो खुद आपके सामने करके दिखाएंगे। दोबारा से मैं बता देता हूँ, उनकी जो कंडीशन थी वो पैरालिसिस की कंडीशन थी। 28 फरवरी को आपको पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद में आप 4 मार्च को हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। जो ट्रीटमेंट हमने यहाँ से डिलीवर किया, जो रिहैब एक्सरसाइजेस वगैरह उनको बताई, जो डाइट पैटर्न उनको बताया, उसके ज़रिए वो आज किस हालत में आप बैठे हैं, वो थोड़ा सा हम मरीजों को, अपने पेशेंट को, जो और भी हमसे दवाई भी नहीं लेते या जो रिहैब एक्सरसाइज वगैरह हमारे उससे करते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास मिले, थोड़ा सा जज्बा मिले कि स्ट्रोक का जो पेशेंट है, जो लकवे के ऐसे पेशेंट हैं, वो समय के साथ में धीरे धीरे ठीक होते हैं। मुझे सुखबीर सिंह जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है, पिछले 2 महीने में क्या हालत थी आपकी? बहुत बढ़िया लग रहा है डॉक्टर साहब। किस साइड में आपको लकवा हुआ था? इस साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड हाथ में, या हाथ काम नहीं करता, लेफ्ट लेग काम नहीं करता था। काम नहीं, अब हाथ हाथ उठा के दिखाइए, दोनों हाथ उठाइए एक साथ ऊपर, ठीक है, हाथ को जोड़िए ऊपर ले जाके, नीचे लेके आइए, अपनी कलाइयों को दोनों चलाने की कोशिश करिए। चलाने में कोई दिक्कत अभी? दो महीने पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो काम नहीं करते थे डॉक्टर। कितना उठा लेते थे पहले, 2 महीने पहले? उंगली भी नहीं हिलती थी, नहीं चलती थी, नहीं चलती थी, तो ये हाथ ऐसे रहता था, हाथ ऐसे पेट से लगा रहता था, पेट से लगा रहता था, बिल्कुल चलता नहीं था, बिल्कुल भी चला नहीं पाते थे, चला नहीं पाते थे डॉक्टर। ठीक है, आज बिल्कुल ऐसे? आज बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ जकड़न वगैरह ऐसे लगना, मांसपेशियां टाइट सी होना, ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर?
साथ में सुखबीर जी को एक परेशानी और थी कि उनको जो सेंसेशन फील होती है वो कम होती थी, तो बिल्कुल कम होती थी या होती नहीं थी उस समय? बिल्कुल होती नहीं थी। जैसे जैसे मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये चोट रहा हूँ, ये आपको महसूस नहीं होती थी? महसूस नहीं होती थी। अब कैसी महसूस होती है? ये करते ना सिकटी, महसूस हो जाता, ठंडा गरम सब कुछ, हाँ सब कुछ लगता, महसूस हो जाता, महसूस हो जाता। साथ में जो सुखबीर सिंह जी हैं वो सही से बोल नहीं पाते थे। अभी आप मुझे कुछ बताइए कि आप कैसा अभी बोल पा रहे हैं? हमारे हमारे मरीजों को पता, सही संजीवनी की, संजीवनी की हाँ तो उसे बहुत बहुत ऐसे एहसान मानता हूँ। एहसान वो देखिए हमारी तो जिम्मेदारी है कि आपका ट्रीटमेंट ठीक किया है। आप आपका जो आत्मविश्वास है उसे आपने ज्यादा, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, दवाई भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो ऐसे खान पान है वो भी सबसे ज्यादा, खान पान भी जरूरी है, जो आपकी बीपी की दवाइयाँ, जो आपकी और दवाइयाँ ऐसे चलती हैं वो भी आपके साथ में जरूरी हैं। तो अभी अभी हाथ का मूवमेंट तो आपका बढ़िया हो गया, चल पा रहे थे आप पहले? नहीं, पहले नहीं चल पा रहे थे। चल के दिखाइए कैसे चल पाते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी चलने में कुछ परेशानी लगती है? अभी हल्का सा जर्क लगता है, उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा और आपकी जो चाल है बढ़िया हो जाएगी। पैर उठा के दिखाइए अपना, बाया वाला ऊपर, वेरी गुड, ठीक है। बैठने में कोई दिक्कत है? बैठिए, ऐसे बैठ के दिखाइए नीचे, हाँ नीचे बैठ के दिखाइए, वेरी गुड। आप खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत पैर से? हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को मिलाइए ऊपर, वेरी गुड। साइड से ऐसे लेके जाइए, आगे से लेके आइए, ऊपर लेके जाइए, ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। तो पिछले 2 महीने में आपकी जो रिकवरी हुई है, आपके जो मूवमेंट बढ़िया हुए हैं, आपकी जो सेंसेशन बढ़िया हुई है, आप दूसरे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसा? डॉक्टर और पेशेंटों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता, सही संजीवनी बहुत बेटर इलाज है। आप अपना बताइए ज्यादा हमें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से और दवाई से, डाइट से ठीक हो सकता आदमी, ठीक है। हाँ जी, साथ में आपकी जो बीपी की दवाइयाँ चलती हैं, जो आपकी ऐसे ब्लड थिनर चलती हैं, उनको भी आपको नहीं छोड़ना होता, ठीक है। जो चीज पहले आपके बारे में आपकी पत्नी ने शिकायत की है कि आप दवाइयाँ नहीं लेते थे, ठीक है, तो जो आपकी बीपी की, जो आपकी बीपी की दवाइयाँ साथ में जो ब्लड थिनर्स आपके और चलते हैं, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे, जो आपकी दवाइयाँ चलती हैं उनको चलाते रहिए, ठीक है। उनके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने थोड़ा सा ठीक लगा, आपको अच्छा महसूस हुआ और आपने छोड़ दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पेशेंट के लिए, जो स्ट्रोक के हमारे पेशेंट हैं, उनके लिए अपने ट्रीटमेंट में एक आत्मविश्वास रखना, साथ में जो एक कंसिस्टेंसी है कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना है, ट्रीटमेंट ऐसे ध्यान से देना है, वो सब चीज़ें जब आप करते हैं तभी आप इस हालत में पहुंच पाते हैं। आप उम्मीद हार जाते हैं, आपको जज्बा नहीं है बिल्कुल भी ऐसे ठीक होने का। तो आप जिस कंडीशन में हैं, कहीं ना कहीं आप उसी परिवेश में रह जाते हैं, उसी बाउंडेशन में रह जाते हैं, फिर उससे आप आगे कभी बढ़ नहीं पाते। तो जितनी चीज़ें थी आज बहुत अच्छी कंडीशन है। मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि जितनी और ऐसे हमसे बेहतर कोशिश होगी, हम कोशिश करेंगे। मैं बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है, हम आपके साथ घर पर नहीं हो सकते, लेकिन घर पर आपकी खुद की जिम्मेदारियाँ, आपकी पत्नी की जिम्मेदारियाँ आप दोनों के लिए बढ़ जाती हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें थोड़ा सा समय दिया, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं आपसे दोबारा। धन्यवाद।